आजाद नागरिक एफएसआईटी न्यूज में आपका खैर मुकदम है। मैं आपका मोहम्मद फारूक, बढ़ते हैं आज की ताजा खबर पर। महबूब नगर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में कोरोना का इलाज और मेडिकल टेस्ट ना करने की जिला इंतजामिया की हिदायत। तफसीलात के मुताबिक जिला एडिशनल कलेक्टर सीतारामा राजू महबूब नगर जिले के प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक के जिम्मेदारान से एक इजलास मुनक्कद किया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर ने हिदायत दी कि जिले के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना मरीजों का इलाज या क्लिनिकल लैब्स में कोरोना का टेस्ट करना मना है और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, स्टाफ व दीगर अफराद मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सामाजिक दूरी इख्तियार करें और दवाखाने के एंट्रेंस के पास नो एंट्री नो मास्क का बोर्ड लगाएं। जबकि साबिका में कोरोना वायरस के पेशेंट्स को गांधी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा था, लेकिन अब महबूब नगर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड कायम करके इलाज किया जा रहा है। आम मरीजों और कोरोना के मरीजों को एक जगह इलाज करने से आ रही मुश्किलात को देखकर महबूब नगर सरकारी दवाखाने के पिछले हिस्से में नई तामीर करदा बिल्डिंग में कोरोना का इलाज के लिए खसूसी वार्ड कायम किया जा रहा है, जिसका मुआयना कलेक्टर वेंकट राव ने किया। जबकि महबूब नगर में माह मार्च में सिर्फ 11 कोरोना केसेस दर्ज हुए थे। दो माह तक जिला इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन सख्ती से अमल करने की वजह से कोरोना पर काबू पाया गया था। बाद में लॉकडाउन पर छूट देने की वजह से कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा है। जबकि जिला महबूब नगर में कुल मिलाकर अब तक 81 कोरोना मुस्बित केस दर्ज हुए हैं और दो अफराद की मौत वाकई हुई है, जिनका ताल्लुक मुसापेट और तेवरकतरा मंडल के डोकुरू से है और 12 अफराद को इलाज के बाद दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया गया है और दीगर अफराद दौरान इलाज हैं। ज़्यादातर कोरोना केसेस हैदराबाद से सफ़र करके आने वालों में पाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया की जानिब से दो दिन से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स, जिसमें महकमा माल, महकमा बल्दिया, महकमा पुलिस के अहदेदारों की निगरानी में बगैर मास्क और सामाजिक दूरी इख्तियार ना करने वालों के खिलाफ जुर्माना आयद किए जा रहे हैं। आज महबूब नगर के एडिशनल कलेक्टर मोहन लाल की निगरानी में एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करने वालों के खिलाफ जुर्माना आयद किया गया। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।